चरक संहिता निदान स्थान अध्याय एक जो और निदान अध्याय। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कारण यानी हेतु के पर्याय बताए हुए हैं। हेतु के पर्याय हैं हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान और निदान। यानी कि हेतु यानी कि निदान, इनके जो पर्याय हैं वह यही हैं और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है AIPGT में और अन्य एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो इसको याद रखना जरूरी है। हेतु के तीन भेद होते हैं, असात्मय इंद, अर्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। तो जो निदान है उसके तीन भेद यहाँ पे बताए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर व्याधियों के बारे में बताई हुई है कि व्याधि जो होती है तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, सौम्य और वायव्य। और अगर हम मानसिक दोषों के आधार पर रोगों को डिवाइड करें तो वो दो प्रकार की होती है, राजसिक और तामसिक व्याधियाँ। व्याधि के पर्याय बताया हुआ है यहाँ पे, व्याधि यानी रोग का पर्याय बताया हुआ है, व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, रोग और विकार। ये जो सभी पर्याय हैं ये सभी व्याधि के पर्याय हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याधि का पर्याय नहीं है, तो इसमें से जो है यही क्वेश्चन इसी लाइन में से बनता है MCQ। उसके बाद यहाँ पे पंच निदान के बारे में बताया गया है। पंच निदान यानी कि निदान स्थान में किस किस चीज़ के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो निदान, पूर्व रूप, लिंग यानी लक्षण, उपशय और संप्राप्ति, ये जो पांच चीज़ें हैं, निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति, यही पांच चीज हैं, इन्हीं को हम कहते हैं पंच निदान। और इसी के बेसिस पे आयुर्वेद में जो बीमारी होती है उसकी पैथोजिनेसिस बनती है। निदान को कारण कहा जाता है, निदानम कारणम इति उत्तम, मतलब निदान जो होता है वो किसी बीमारी का कारण होता है कि ये बीमारी क्यों हो रही है, उसको हम निदान कहते हैं। पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूप होता है प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधे। प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि का मतलब है कि व्याधि उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं पूर्व रूप, ठीक है। उसके बाद है प्रादुर्भूत लक्षणम पुनः लिंगम, यानी कि जब बीमारी उत्पन्न हो जाती है, तो जब बीमारी उत्पन्न हो जाएगी तो उसके अंदर जो लक्षण होता है उसको हम कहते हैं लिंग, ठीक है। तो जो लक्षण है बीमारी के उसको हम लिंग कहते हैं या रूप कहते हैं। तो उसके क्या पर्याय हैं? तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो उसके पर्याय हैं लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन और रूप, ये जो है ये सब पर्याय हैं इसके। तो ये क्वेश्चन भी इसमें से AIPGT या अन्य एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बन सकता है। आगे देखें तो उपशय है। उपशय जो होता है, उपशय के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। उपशय का मतलब ये है कि जिसके द्वारा हम रोग की चिकित्सा करते हैं उसको हम उपशय कहते हैं। और ये जो होता है, चक्रपाणी ने 18 प्रकार के उपशय बोला है, ठीक है। कौन कौन से हैं? है सबसे पहले तो हेतु विपरीत, ठीक है। हेतु जो कारण है उसके विपरीत चिकित्सा करेंगे तो वो तीन तरीके से कर सकते हैं। हेतु विपरीत औषधि दे सकते हैं, हेतु विपरीत आहार दे सकते हैं और हेतु विपरीत विहार का प्रयोग करके हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये तीन हुई हेतु वाली, हेतु के विपरीत, फिर व्याधि विपरीत। तो व्याधि विपरीत औषधि, आहार और विहार, ये तीन हो गई। औषधि की हेतु की विपरीत तीन हो गई, व्याधि की विपरीत तीन हो गई और हेतु व्याधि दोनों के विपरीत जो है वह तीन हो गई, औषधि, आहार और विहार। तो ये टोटल हो गई 9। इसी प्रकार से हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और उभय विपरीतार्थकारी, ये 9 हो गई। तो टोटल हो गई उपशय आपकी 18 प्रकार की। और उपशय जो होता है वो सुख अनुबंध होता है। सुख अनुबंध मतलब कि जिसके प्रयोग से रोग जो है वो खत्म हो जाए और सुख की अनुभूति हो, उसको हम उपशय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट जो निदान पंचक में, वो है संप्राप्ति। तो संप्राप्ति को हम कह सकते हैं पैथोजिनेसिस, ठीक है। तो ये दो तरीके का होता है, इसके दो पर्याय हैं, जाति और आगति। जाति और आगति जो है वो पर्याय किसका है? संप्राप्ति का। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो संप्राप्ति के भेद आचार्य चरक जो है वो 6 प्रकार के मानते हैं, ठीक है। तो 6 प्रकार के कौन से हैं वो? संख्या, प्राधान्य, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। ये 6 प्रकार की जो संप्राप्ति है वो चरक ने मानी है, ठीक है। उसके बाद संख्या संप्राप्ति क्या होती है? संख्या संप्राप्ति का मतलब होता है जैसे कि
रोगों की काउंटिंग होती है ना, जैसे कि 8 प्रकार के रोग, 5 प्रकार के गुल्म, 7 प्रकार के कुष्ठ, 20 प्रकार के प्रमेह, तो ये जो काउंटिंग होती है ना रोगों की, उसको कहते हैं संख्या संप्राप्ति। उसके बाद प्राधान्य संप्राप्ति क्या होती है? प्राधान्य संप्राप्ति होती है पुनः दोषाणाम तरतम अभ्याम उपलब्धते, यानी कि जो दोष है, कि जैसे कोई ज्वर है, जैसे ज्वर है तो उस ज्वर में कौन सा दोष ज्यादा मात्रा में है, कौन सा ज्वर तर कौन से उस ज्वर में कौन सा दोष तर है, कौन सा तम है, यानी उस ज्वर में पित्त ज्यादा है, वात कम है, तो इस तरह से जो कल्पना की जाती है उसको हम प्राधान्य संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विधि संप्राप्ति। विधि संप्राप्ति मतलब कि उसमें रोगों का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि 2 प्रकार की व्याधि, निज और आगंतुज, ठीक है, या 3 प्रकार की व्याधि, वातज पित्तज कफज, यानी जो दोषों की जो क्लासिफिकेशन होता है बीमारियों का वो होता है विधि संप्राप्ति, और जो काउंटिंग होती है बीमारियों की वो है संख्या संप्राप्ति, और जो दोषों के आधार पर देखा जाती है कि कौन सी दोष ज्यादा है, कौन सा दोष कम है, तरतम अभाव, उसको हम कहते हैं प्राधान्य संप्राप्ति। ठीक है, और एक जो आता है वो आपका विकल्प संप्राप्ति। तो प्राधान्य संप्राप्ति और विकल्प संप्राप्ति, यही दो क्वेश्चन, यही से क्वेश्चन अगर आएगा तो आ सकता है। तो विकल्प संप्राप्ति में अंशांश कल्पना की जाती, अंश अंश कल्पना, ठीक है, दोषों का अंशांश कल्पना की जाएगी कि भाई कौन सा दोष कितने अंश में बढ़ा हुआ है। ठीक है, और तरतम, तरतम मतलब कौन सा दोष ज्यादा है, कौन सा दोष कम है। ठीक है, तो तरतम का जो देखते हैं वो प्राधान्य संप्राप्ति में, और विकल्प मतलब अंशांश भाव देखते हैं वो विकल्प संप्राप्ति में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बल संप्राप्ति और काल संप्राप्ति। बल संप्राप्ति में कौन सा दोष जो है, कौन सा जो रोग है वो बलवान है अथवा दुर्बल है, ये देखा जाता है कि रोग जो है वो बलवान है या दुर्बल है। अथवा काल संप्राप्ति में ये देखा जाता है कि जो व्याधि उत्पन्न हुई है वो काल में उत्पन्न हुई है या अकाल में उत्पन्न हुई है। काल का मतलब जैसे कि पित्त का जो, वैसे पित्तज व्याधि का जो काल होता है वो शरद ऋतु में है, तो अगर शरद ऋतु में है तो उसका मतलब काल संप्राप्ति सही है, मतलब शरद ऋतु में है, वो काल में है। अकाल मतलब कि शरद ऋतु के अलावा अगर कोई पित्तज व्याधि हो तो वो अकाल में उत्पन्न हुई, तो इसको हम कहते हैं काल संप्राप्ति। उसके बाद ये तो हो गया, हमने निदान स्थान के जो 5 घटक हैं, पंच निदान, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद मेन जो ये चैप्टर है जिसके ऊपर बना है ज्वर के ऊपर, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्वर जो है सबसे पहले शरीर में उत्पन्न हुआ था, ठीक है, इसलिए इसके बारे में सबसे पहले निदान स्थान में बताया हुआ है। तो जो ज्वर है वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 7 जो प्रकार के ज्वर होते हैं वो निज से होते हैं, और 8वां जो होता है वो आगंतुज होता है, बाह्य कारण से होता है। ठीक है, तो 7 जो हैं मतलब टोटल 8 ज्वर हैं जिसमें से 7 निज हैं। तो 7 निज कौन से हैं? वातज पित्तज कफज वात पित्तज वात कफज और वात पित्तज और सन्निपातज, तो ये हो गए टोटल 7, और 8वां जो है वो आगंतुज कारण से होता है। ठीक है, तो टोटल 8 प्रकार के ज्वर होते हैं जिसमें 7 निज कारण से होता है और 1 जो है आगंतुज कारण से होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो है पंच निदान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ज्वर के। ठीक है, तो सबसे पहले निदान, तो जो वातज ज्वर होता है उसका क्या निदान है? वातज ज्वर के निदान है जो भी वातवर्धक आहार विहार है, जैसे कि लघु है, रुक्ष है, शीत, ऐसे निदान का सेवन करना, फिर वमन विरेचन अस्थापन मैंने पंचकर्मा का अति योग हो जाना, फिर व्यायाम ज्यादा करना वेग धारण करने से, ठीक है, अनशन मतलब भोजन थोड़ा कम मात्रा में खाना, ये सब जितने भी कारण हैं इन सब कारणों की वजह से वायु प्रकुपित हो जाती है। तो वायु प्रकुपित होगी तो इसकी वजह से वातज ज्वर उत्पन्न होगा। इसके बाद इसकी कैसे भाई क्यों उत्पन्न हो रहा है ये? तो इसमें जो वायु प्रकुपित होगी वह क्या करेगी, वो आमाशय में जो आमाशय की जो ऊष्मा है उसके साथ और जो आहार रस है उसके साथ मिल जाएगी। तो जो प्रकुपित वायु हो आमाशय में आकर आमाशय की ऊष्मा और आहार रस के साथ मिलकर रस वह स्रोतस और स्वेद वह स्रोतस को अवरुद्ध कर देती है, और रस वह स्रोतस और रक्त रस और वह स्रोतस और स्वेद वह स्रोतस को अवरुद्ध करके जो अग्नि आमाशय में है उसको निकाल के पूरे शरीर में फैला देती है। तो इस प्रकार जो होता है वह ज्वर उत्पन्न हो जाता है। तो ज्वर उत्पन्न होने का क्या संप्राप्ति है कि जो दोष है वो आमाशय में जाता है और वहां पे उसकी जो अग्नि है आमाशय में और जो वहां पे आहार रस है, तो आहार रस और अग्नि के साथ मिलके स्वेद वह और रस वह स्रोतस को बंद कर देता है और आमाशय की जो अग्नि है उसको
संपूर्ण शरीर में फैला के ज्वर को उत्पन्न करता है, तो ये संप्राप्ति है। उसके बाद वात ज्वर के क्या भाई लक्षण क्या है, मतलब क्या लक्षण उसके, तो उसका लक्षण है विषम आरंभ विसर्गित्वम, मतलब इसका जो आरंभ है वो विषम होता है, मतलब कब आ जाएगा पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका भाई इसके बारे में बताया है, इसके लक्षण में वात ज्वर के कि जरणांते मतलब भोजन पच जाने के बाद दिवसांते मतलब रात दिन के लास्ट वाले पार्ट में, निशांते मतलब रात्रि के अंतिम प्रहर में, धर्मांते यानी वर्षा ऋतु में, तो इन चारों टाइम में जो ज्वर उत्पन्न होता है मोस्टली वह वात ज्वर होता है। उसके बाद इसके क्या लक्षण है, इसके लक्षण है पिंड का उद्वेष्टन मतलब काफ रीजन में उद्वेष्टन यानी दर्द होगा, ठीक है। जानुनो केवला नाम च संधि नाम विश्लेषणम, यानी कि नी जॉइंट और दूसरी जो जॉइंट्स हैं बॉडी में ऐसा लगेगा जैसे कि उसके अंदर पावर ही नहीं है। उर्विषाद यानी कि थाई रीजन में पावर की कमी हो जाएगी। स्वनः कर्णयो ठीक है, कान में अलग अलग तरीके की ध्वनि सुनाई देगी। संखयो निस्तोद शंख प्रदेश में वेदना होगी। मुख में कसाय आस्यता मतलब मुख में कसाय रस की प्रतीति होगी, ऐसा लगे जैसे कसाय हो गया। आस्य वैरस्य ठीक है, मुख का स्वाद बिगड़ जाएगा। उसके बाद हृदय ग्रह हृदय प्रदेश में वेदना होगी, ठीक है। शुष्क छर्दी और शुष्क कास छर्दी सूखी खांसी होगी और छर्दी होगी, उसको उल्टी जैसा मन होगा, शुष्क माने उसमें उल्टी नहीं आएगा लेकिन उल्टी जैसा मन होगा, और शुष्क कास माने सूखी खांसी होगी। अन्न रस खेद माने अन्न खाने की इच्छा नहीं होगी। उष्ण अभिप्रायता यानी गर्म वस्तु उसको अच्छी लगेगी। तो ये जो सभी कारण है ये वात ज्वर के लक्षण है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से जो पित्त ज्वर है, पित्त ज्वर की भी संप्राप्ति में यही बताया हुआ है कि भाई जो उष्ण है, अम्ल है, लवण, क्षार, कटु, ये सब जितने भी पित्तवर्धक आहार विहार है इनके सेवन से या क्रोध से, ठीक है, या श्रम करने से, जो भी पित्तवर्धक आहार विहार है उनके सेवन से पित्त दोष प्रकोपित होगा। तो पित्त दोष प्रकोपित होकर जो ये आमाशय है वहां जाके उष्मा आमाशय की उष्मा और आहार रस के साथ मिलकर रसवा और स्वेदवा स्रोतों को अवरुद्ध करेगा, और रसवा स्वेदवा स्रोतों का अवरुद्ध करके जो पक्ति स्थान में उष्मा है यानी आमाशय में जो स्थित है उष्मा, उसको बाहर ले जाकर पूरे शरीर में फैला के शरीर में पित्त ज्वर उत्पन्न करेगा। तो इसके क्या लक्षण है, इसका लक्षण है विदाह काले माने भोजन के पाक काल में होता है ये ज्वर, दिन के मध्य में और अर्धरात्रि में, और शरद ऋतु में जो ज्वर होता है वो मोस्टली पित्त ज्वर होता है, ठीक है। इसमें है कटुक आस्यता, वात ज्वर में कसाय आस्यता था, पित्त ज्वर में कटुक आस्यता है, ठीक है, माने मुंह जो है वो कटु रसात्मक होगा। उसके बाद है उसमें है अन्न रस द्वेष था, माने खाने की इच्छा नहीं थी, अन्न रस द्वेष था इस उसमें, और इसमें है अन्य द्वेष, ठीक है। उसके बाद इसमें है पित्त ज्वर में रक्तकोट अभिनिवृत्ति माने लाल रंग के चक्के शरीर में निकल जाएंगे, और शीत अभिप्रियता, तो पित्त ज्वर में शीत अभिप्रियता है, वात ज्वर में उष्ण अभिप्रियता है, पित्त ज्वर में कटुक आस्यता है, वात ज्वर में कसायास्यता है, पित्त ज्वर में अन्य द्वेष है, वात ज्वर में अन्न रस खेद है, ठीक है। चलिए उसके बाद कफ ज्वर में भी यही है कि भाई कफ वर्धक आहार भी जैसे स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल शीत ऐसे भोजन लेने से कफ बढ़ जाएगा, और उसकी भी यही संप्राप्ति है कि जो कफ है वो बढ़ के आमाशय में स्थित उष्मा को और जो आहार रस है उसके साथ मिलकर आमाशय में स्थित उष्मा स्वेदवा और रसवा स्रोतों का अवरुद्ध करके आमाशय में स्थित उष्मा को शरीर में बाहर निकाल कर ये कफ ज्वर उत्पन्न करता है। इसके जो लक्षण है वो यह है कि भुक्त मात्रे माने खाते एकदम जैसे ही हमने खाना स्टार्टिंग किया है, खाने से पहले खाना स्टार्टिंग कर मतलब खाने से पहले यानी खाना जैसे ही जस्ट हमने स्टार्ट किया है यानी पूर्वाहन यानी कि दिन के प्रथम काल में, पूर्व रात्रि यानी रात्रि के प्रथम प्रहर में और वसंत ऋतु में, ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में जो ज्वर उत्पन्न होगा वो कफ ज्वर होता है, ठीक है। इसमें है अन्न अभिलाषा, ठीक है, तो अन्न अभिलाषा है कफ ज्वर में, तो अन्न रस खेद वातज में था, है ना, अन्न द्वेष पित्तज में था, और अन्न अभिलाषा जो है कफज में, याद रखना है। उसके बाद है कसाय आस्यता जो है वातज में था, कटुक आस्यता पित्तज में, और मुख माधुर्य जो है वो कफज ज्वर में है। हृदय ग्रह जो है वातज में था, हृदय उपलेप कफज में है, ठीक है। शुष्क कास और शुष्क छर्दी वातज में था, और यहाँ पे कास जो है और श्वास है ये कफज में है, ठीक है। उष्ण अभिप्रायता ये वातज ज्वर में भी था और कफज ज्वर में भी है, और शीत अभिप्रायता जो है वो आपका पित्त ज्वर में था, तो ये हमको ये याद रखना है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे
हमें जो है त्रिदोष ज्वर के बारे में बताया है। तो त्रिदोष ज्वर में जो तीनों दोषों से मिक्स लक्षण है वो सभी हमें लक्षण दिखते हैं, तो वो त्रिदोष ज्वर हमें समझना चाहिए। उसके बाद लास्ट ये हमने सात प्रकार के नीच ज्वर के बारे में पढ़ लिया, वातज पित्तज कफज, वातज पित्तज वात पित्तज पित्त कफज और वात कफज, ये टोटल हो गए सात ज्वर जो नीच ज्वर है। उसके बाद जो आठवां आता है वो आपका है आगंतुक ज्वर। तो आगंतुक ज्वर जो होता है वह चार प्रकार का होता है, अभिघात, अभिसंग, अभिचार और अभिशाप। ठीक है, तो जिसमें से अभिघातक जो होता है वो वात और रक्त से उत्पन्न होता है। तो अभिघातक ज्वर जो होता है वात और रक्त से उत्पन्न होगा, यानी चोट वगैरह लग जाने से कुछ भी, इसे अभिघातक ज्वर होता है। अभिघात के बाद अभिसंग, अभिसंगत ज्वर जो होता है वात और पित्त से होता है, और अभिचार और अभिशाप ज्वर जो है वो तीनों दोष से होता है, त्रिदोष से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभिघात जो ज्वर होता है वात रक्त से, अभिसंग जो होता है वो वात पित्त से, और जो अभिशाप और अभिचार जन जो ज्वर होता है वो त्रिदोष से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आगंतुक ज्वर चार प्रकार के। उसके बाद यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो ज्वर है उसकी जो लक्षण है वो एक ही है, वो है संताप लक्षण। ज्वर का एक लक्षण है वो संताप लक्षण है। ठीक है, अब ज्वर के पूर्व रूप, ये इंपॉर्टेंट है, ज्वर के पूर्व रूप, तो मुख व रस्य, मुख का स्वाद बिगड़ जाएगा, अन्न की अभिलाषा नहीं होगी, चक्षु में आकुलता होगी, आंसू निकलेंगे, आंखों से निंद्रा अधिक, नींद ज्यादा लगेगा। तो ये जो है आपके ज्वर के पूर्व रूप है। ठीक है, सभी प्रकार के ज्वर में ये लक्षण मिलेगा ही मिलेगा, माने मुख का स्वाद बिगड़ जाएगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, आंखों में चक्षु में आकुलता होगी, आंखों में से आंसू निकल सकता है, नींद ज्यादा लगेगा। उसके बाद ये मेन चीज है, शब्द शीतवात आतप असहत्वम। शब्द शीतवात आतप असहत्वम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऊंचा शब्द, तेज आवाज, ठंडी वायु और आतप मतलब गर्मी, ये ज्यादा सहन नहीं हो पाता है ज्वर के पूर्व रूप में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्प प्राणता, मैंने प्राण जो है पावर कम हो जाएगी शरीर में। दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता मतलब कोई भी काम को बहुत लंबा टाइम लगा के करने की जो टेंडेंसी होती है वो पूर्व रूप में होता है ज्वर के। उसके बाद है आलस्य, आलस्य उत्पन्न होगी, उचित्तस्य कर्मणो हानि, मैंने कोई भी काम को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता है जो रोगी है। प्रतिपता स्व कार्येषु, अपने कार्य को भी ठीक से नहीं कर पाएगा। फिर गुरुणाम वाक्येषु अभिसूया, मतलब जो गुरु लोग जो हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बात बोलते हैं वो अच्छी नहीं लगेगी। बालेभ्य प्रद्वेष, बच्चों से द्वेष उत्पन्न होगा। स्व धर्मेषु अचिंता, अपने काम को भी ठीक से नहीं कर पाएगा। मधुरेभ्य भक्षेभ्य प्रद्वेष, मतलब है कि मधुर द्रव्य जो खाने में उसको द्वेष उत्पन्न होगा, खाने का मन नहीं करेगा। और अम्ल लवण कटु जो रसात्मक द्रव्य है उनको खाने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो है आपके ज्वर के पूर्व रूप है। ठीक है, तो ज्वर के पूर्व रूप क्या क्या है जी? उसमें है सबसे पहले मुख वैरस्य, अन्न अभिलाषा, चक्षुआकुलोत्तम, अश्राव गमनम, निंद्राधिक्यम, शब्द शीतवात, आतप असहत्वम, अल्प प्रणाता, दीर्घ सूत्रता, आलस्य, उचितस्य कर्मणो हानि, प्रतिप्ता स्व कार्येषु, गुरुणाम वाक्येषु अभिसूया, बालेभ्य प्रद्वेष, स्वधर्मेषु अचिंता, मधुरेभ्य भक्षेभ्य प्रद्वेष और अम्लवण कटुक प्रियता। ठीक है जी, तो ये जो आपके ज्वर के पूर्व रूप है, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद है ज्वर जो है वो माहेश्वर के कोप से होता है। सबसे पहले माहेश्वर के कोप से उत्पन्न होता है ज्वर, और सभी प्राणियों के प्राण को नष्ट करने के लिए ये सक्षम है। सर्व प्राणभितम प्राणहरो, ठीक है, देह इंद्रिय मन ताप कर, देह में और इंद्रियों में भी ताप उत्पन्न करता है ये। ठीक है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बल, वर्ण और हर्ष और उत्साह, इन सबको भी नष्ट करता है। दारुण होता है, बहुत द्रव, दुष्चिकित्सा, दारुण मतलब कठिन होता है, बहुत द्रव, बहुत सारे उपद्रव हो सकते हैं इसमें, और दुष्चिकित्सा मतलब चिकित्सा करने में कठिन होता है। सर्व रोग अधिपति, सभी रोगों का राजा होता है ये ज्वर। सर्व प्राण भृतम स ज्वर एव जायते, स ज्वर एव म्रियते च, यानी सभी प्राणी जो है ज्वर के साथ उत्पन्न होते हैं और ज्वर के साथ ही उनकी मृत्यु भी होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद है ज्वर के यदि पूर्व रूप दिखते हैं हमें तो उसके शुरुआत में ही लघु वसन, हल्का भोजन और अपतर्पण करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हमें कषायपान यानी कोई भी औषधि लेना चाहिए। उसके बाद अन्य जो पंचकर्म आदि बताए हुए हैं ये सबका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेषु सर्पी साम पानम प्रशस्यते, जीर्ण ज्वर में सर्पी पान का प्रयोग प्रशस्त है। क्यों? क्योंकि वातज ज्वर, वात को ये अपने स्नेह गुण से शांत करता है घृत, फिर अपने शीतल गुण से पित्त को भी शांत करता है ये घृत, और घृत को यदि कफ नाशक द्रव्य से सिद्ध कर दिया जाए तो
ये भी कफ को भी नष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि सर्पी के अंदर यानी घी के अंदर जो है संस्कार अनुवर्तन की प्रॉपर्टी होती है, और इसीलिए सर्पी जो है सभी स्नेहों में सबसे उत्तम बताया गया है ऐसे। तो इस प्रकार ये जो ज्वर निदान अध्याय है ये खत्म हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।